नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने फेसबुक पेज पर राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना सीखेंगे, यानी राइट्स मैनेजर को इनेबल करना सीखेंगे। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि फेसबुक राइट्स मैनेजर क्या होता है, तो जिस प्रकार से हमें अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट मैच टूल मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से क्या किसी और ने हमारे वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। जैसे अगर हमारे किसी वीडियो को कोई डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करता है, तो कॉपीराइट मैच टूल से हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से वीडियो को किसने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जिससे हम उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक उसी प्रकार से फेसबुक पर राइट्स मैनेजर भी काम करता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि फेसबुक पेज पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमारे किसी वायरल वीडियो को या हमारे किसी अच्छे वीडियो को या हमारे सारे वीडियो को ही डाउनलोड करते हैं और अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं, जिससे हमारे पेज की जो रीच है, हमारे पेज का जो व्यूज है, वो डाउन हो जाता है। हमारे वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि लोग हमारे वीडियो को दूसरे के पेज पर देख लेते हैं। तो ऐसे में फेसबुक का जो राइट्स मैनेजर टूल है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्या किसी और ने हमारे वीडियो को डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है, जहाँ से हम उन्हें रिमूवल रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब दोस्तों, राइट्स मैनेजर टूल के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करिएगा, उसे डेस्कटॉप साइट पर करिएगा, जहां से आप अपने पेज पर राइट्स मैनेजर टूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। आप पूरे स्टेप को देखिएगा और फॉलो करिएगा, आप अपने फेसबुक पेज पर राइट्स मैनेजर को इनेबल करना सीख लेंगे। दोस्तों, राइट्स मैनेजर टूल के लिए अप्लाई करने से पहले आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद जब उसे डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन कर लेना है, जिस फेसबुक अकाउंट से आपने अपना पेज बनाया है। उसके बाद आपको अपने पेज पर स्विच कर लेना है। तो अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये हमारा एक फेसबुक पेज है। एक्चुअली मेरी वाइफ का ये फेसबुक पेज है और ये मोनेटाइज पेज है, और इस पर अभी 66K यानी 66,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसी पेज पर राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद हमें अपने फ़ोन में ही एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक राइट्स मैनेजर। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक राइट्स मैनेजर, लिख के हम सर्च करेंगे। फेसबुक राइट्स मैनेजर लिख के जब हम सर्च करेंगे, तो हमारे सामने इस प्रकार के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर पहला जो लिंक दिख रहा है, मेटा राइट्स मैनेजर फेसबुक, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद हमें राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट एक्सेस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है रिक्वेस्ट एक्सेस, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। हम रिक्वेस्ट एक्सेस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने एक नया पेज आएगा और हमारा फेसबुक अकाउंट देख सकते हैं ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए मैंने कहा कि आपको फेसबुक अकाउंट पहले लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे रिक्वेस्ट एक्सेस टू राइट्स मैनेजर लिखा हुआ है और नीचे हमारा फेसबुक का मेन अकाउंट दिख रहा है और हमारा फेसबुक का पेज दिख रहा है। तो हमें जिस पेज पर या जिस अकाउंट पर अपने राइट्स मैनेजर को इनेबल करना है, एक्टिवेट करना है, हमें सिंपली उसे टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें तीन ऑप्शन दिखेंगे, पहला है वीडियो, दूसरा है इमेज और तीसरा है ऑडियो। तो आप राइट्स मैनेजर के मतलब राइट्स मैनेजर का यूज आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस प्रकार के कंटेंट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप चाहें तो आप, अगर आपका फेसबुक पेज पर आप ऑडियो अपलोड करते हैं, तो आप ऑडियो के लिए कर सकते हैं। इमेज के लिए करना चाहते हैं तो इमेज कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो के लिए करना चाहते हैं तो आप वीडियो करेंगे। तो डेफिनेटली हम वीडियो ही अपलोड करते हैं और अपने वीडियो कंटेंट को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को टिक लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है व्हाट टाइप ऑफ राइट्स होल्डर आर यू, मतलब आपके पास किस प्रकार का अधिकार है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, मतलब आप कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया कंपनी क्या है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल क्रिएटर करेंगे, क्योंकि हमारी कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, हम एक इकलौते व्यक्ति हैं, यानी कि हम पर्सनली इसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल को ही सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें आएगा ऑप्शन प्राइमरी राइट्स होल्डर का, हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यानी आपका जो फेसबुक अकाउंट पर नाम है, लीगल नाम लिखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नाम लिखना है, आपको अपना सही नाम लिखना है। तो चलिए हम अपनी वाइफ का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम उनका नाम लिख लेंगे। आपको अपना नाम लिखना है। और इसके बाद दूसरा अगला ऑप्शन है यहाँ पे हाउ ऑफन डू यू पब्लिश कंटेंट, आप किस प्रकार से कंटेंट को पब्लिक करते हैं, मतलब कि आप डेली करते हैं कंटेंट, आप दो दिन में करते हैं, चार दिन में करते हैं, हफ्ता में करते हैं, या आप एक महीने में करते हैं, आप किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट वन डेली है, अ फ्यू टाइम्स ए वीक है, वीकली है, मंथली है। तो यहाँ पे हम डेली कर लेंगे, क्योंकि हम डेली कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हैव यू इशूड ए कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर, क्या आपने फेसबुक पर इससे पहले कभी कॉपीराइट क्लेम दिया है। तो नहीं, हमने कभी किसी को कॉपीराइट क्लेम अभी तक नहीं दिया है फेसबुक पर, तो इसे हम नो कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अगला ऑप्शन है व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ वीडियो दैट यू वुड लाइक टू प्रोटेक्ट,
तो आपको यहाँ पर अपने कुछ वीडियो का लिंक देना है। जैसे हम अपने फेसबुक के प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पे हम वीडियोज पे चलेंगे। वीडियोज में आने के बाद जो भी हमने वीडियो अपलोड किया है मैं यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हमें अपने वीडियो का लिंक कॉपी करना है। जैसे यहाँ पर मैं अपने एक वीडियो का लिंक कॉपी करता हूँ, ये रहा, इसे हम सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अपने वीडियो को प्ले करेंगे और यहाँ पर इसका जो लिंक हमें मिलेगा इसे हमें कॉपी करना है। जैसे ये रहा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा हमें, यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेंगे, या आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली इस पर से कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी लिंक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और अपने वीडियो के लिंक को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर एक लिंक दे दिया है, इसके बाद ऐड लिंक का ऑप्शन दिखेगा, हमें फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। हमें अपने किसी दूसरे वीडियो का लिंक भी यहाँ पर देना है। तो इसी प्रकार से हमें अलग अलग तीन चार वीडियो का लिंक देना है। चलिए हम कोई और वीडियो ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ये एक लाइव वीडियो का ले लेते हैं, नहीं चलिए हम एक और वीडियो का लिंक ले लेते हैं, ये रहा हमारा एक वीडियो, इसके लिंक को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर हम एक और लिंक को यहाँ पर देंगे। इस प्रकार से हमें कम से कम 5 लिंक देना चाहिए, मेरे हिसाब से 5 लिंक देना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी जल्दी लिंक को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिंपली हम इसे ओपन करते हैं, ये वीडियो का जो लिंक है इसे हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये लाइव वीडियो है तो हम इसके भी लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और आपने अगर व्लॉग वीडियो या आपका कोई भी वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो है, आप किसी भी वीडियो का लिंक दे सकते हैं, बशर्ते वीडियो आपका खुद का होना चाहिए और आपके पेज पर अपलोडेड होना चाहिए जहां पर आप राइट्स मैनेजर के लिए इनेबल करना चाहते हैं। तो चलिए हमने एक और लिंक को कॉपी किया है और यहाँ पर ऐड लिंक पर क्लिक करते हैं, ये हमने 4 लिंक दे दिया है। चलिए एक और लिंक हम दे देते हैं, 5 हम कंप्लीट कर देते हैं, एटलीस्ट 5 लिंक हम दे देंगे तो ठीक रहेगा। और इसके बाद हम चलते हैं और किसी वीडियो को ले लेते हैं, जैसे ये वाला एक और लिंक हमने यहाँ पे ले लिया है, ये रहा एक और लिंक, ठीक है। इस प्रकार से आपको कम से कम 5 लिंक तो कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पे 5 लिंक दे दिया है। अब यहाँ पर ऐड लिंक का ऑप्शन देखिए नहीं है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 5 लिंक ऐड करने का ही ऑप्शन मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है, वेयर इल्स डज योर पेज हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑप्शनल, क्या आपका पेज कहीं और भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप अपने पेज का लिंक दे सकते हैं, जैसे YouTube पर अगर आपका पेज है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मेरा पेज का लिंक है YouTube पर, तो यहाँ पे हम अपने YouTube चैनल को भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। सिंपली हम चलेंगे अपने YouTube चैनल पे, जैसे मेरी वाइफ का ये YouTube चैनल भी है तो हम यहाँ पे चलते हैं और इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, यानी चैनल के लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर यूट्यूब लिंक का पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो यूट्यूब पर भी होते हैं। वेबसाइट है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं, मतलब आपके पेज से जो आपके पेज का कंटेंट है अगर आप अपने वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं तो आप उसका भी लिंक यहाँ पर दे सकते हैं, अदर है तो आप कुछ और भी दे सकते हैं। इसके बाद है, व्हाट एल्स शुड वी नो, क्या हम कुछ और भी जान सकते हैं। टेल अस अबाउट मोर, टेल अस मोर अबाउट व्हाई यू वांट टू यूज राइट्स मैनेजर। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है, क्या टाइप करना है चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो बॉक्स है जहाँ पर लिखा है व्हाट एल्स शुड वी नो, तो यहाँ पर हमें और कुछ बताने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, हेलो टीम फेसबुक, आई एम ए वीडियो क्रिएटर एंड अपलोड माई videos on my Facebook page and my YouTube channel, so I want to protect my content from reuse and I request you to enable rights manager tool on my Facebook page या my page। और यहाँ पर मैंने थैंक यू लिखा है, इतना हमें मैसेज टाइप करना है। और इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर हमें अपना एक ईमेल आईडी लिख लेना है। आप कोशिश करें कि आपका जो ईमेल आईडी आपके फेसबुक अकाउंट में लिंक है वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर मेंशन करें। तो चलिए हम एक ईमेल आईडी यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी वाइफ का ही। ईमेल आईडी लिखने के बाद हमें यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जीमेल अकाउंट को अपने ओपन करेंगे और हमारे जीमेल अकाउंट पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। चलिए हम यहाँ पर जीमेल को ओपन करेंगे। अब देखिए हम इसको यहाँ पर सोशल में जाएंगे तो ये रहा हमारा राइट्स मैनेजर का कोड, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर राइट्स मैनेजर एप्लीकेशन कोड इज रेडी। और यहाँ पर हमें एक कोड मिला है, इस कोड को हमें सिंपली करना है कॉपी और यहाँ पर आके इस वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करने के बाद हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है, हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, हमारा कोड वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों पूरा फॉर्म को हमें एक बार फिर से अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, हम पूरे फॉर्म को सही तरीके से एक बार चेक कर लेंगे कि हमने सारी चीज़ें सही से भरी हैं या नहीं लिखी हैं। सारी चीज़ें सही तरीके से होने के बाद हमें नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट एक्सेस का, हमें सिंपली रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करना है। हम रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू राइट्स मैनेजर और यहाँ पर लिखा है वी रिसीव योर रिक्वेस्ट एंड विल ईमेल यू शॉर्टली विथ अ रिस्पॉन्स। हमें इतना करने के बाद वेट करना है। अब हमें अपने ईमेल आईडी को, जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पर दिया है उसे हमें चेक करते रहना है, 2 से 3 दिन 4 दिन 6 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह भी लग जाए, आपको फेसबुक की तरफ से जो भी फैसला होगा वो आपके मेल पर बता दिया जाएगा। और अगर राइट्स मैनेजर आपके फेसबुक पेज पर इनेबल कर दिया जाएगा तो जब आप अपने
पेज के क्रिएटर स्टूडियो पेज पर आएंगे, मतलब आप मेटा बिजनेस सूट के जब पेज पर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अगर राइट्स मैनेजर आपके पेज पर इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पर बाई तरफ आपको एक ऑप्शन देखेगा राइट्स मैनेजर टूल का ऑप्शन, जिसे आप यूज करके अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी वीडियो को डाउनलोड करके अपने पेज पर अपलोड करेगा तो आप उसे राइट्स मैनेजर टूल की मदद से रिमूवल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद अपने फेसबुक पेज पर राइट्स मैनेजर के लिए अप्लाई करना सीख लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा।